हरिद्वार में हमारा मुसलमान है, हमारे मुसलमान ने मेरे बच्चे की दुकान तोड़ दी हरिद्वार में से, खाली करवा ली दुकान भी। अपनी माँ बेटों को हमारे पास भेज दो, अगर तुम एक महीने भी आए याद नहीं देते, घर के सामान उठा के लेके चले जाते हैं। आप 2 लाख ले लो, आप पे 50 लाख हो जाएंगे, आप ब्याज भी देते रहोगे, उनके रिकॉर्ड में कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी के वजह से हम लोग अपने बीवी बच्चों से मिल नहीं पाते हैं। जब अगर उन्हें ब्याज ना मिले तो माँ बहन बेटियों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तो क्यों नहीं मोदी सरकार कुछ करती इनके लिए? कर्जे से बहुत लोग परेशान हैं और कर्जा मुक्त अभियान यहाँ पर चला हुआ है। मैं एक आपको टी शर्ट पे दिखाना चाहूँगा कि कुछ लिखा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ये, और विजय बैंक और देना बैंक इनके साथ में है। इन्होंने लिखा हुआ है इस टी शर्ट पे कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, आप सभी रहें सावधान, मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करें। और ये पीछे भी इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, और पूरी बैंक का इन्होंने वो दिया हुआ, और अपना इन्होंने एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कि ये इतने परेशान हैं कि इन्होंने अपना खुद ही वेशभूषा ऐसा बना लिया कि बैंक ने मुझे इतना परेशान कर दिया। सर क्या नाम है और कहां से आए हैं? सर मैं देवास से आया हूं, एमपी से जी, गुरविंदर सिंह टुटेजा जी। सर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 3,50,000 रुपये का लोन लिया था जी, 33 महीने में मैं 2,78,000 रुपये जमा कर चुका था जी, और उसके बाद बैंक ने मेरा 3,57,000 रुपये बता के मेरा मकान मेरे से बगैर कब्जा लिए नीलाम कर दिया। ओहो, तो अब आप कहाँ रह रहे हैं? मैं अभी अपने पूछते नहीं कह रहा है कि मगर कच्चे मकान में रह रहा हूँ जी। तो लोन, टोटल लोन कितना था आपका? 3,50,000 रुपये का। और बैंक ने क्या मांगा? मैंने 2,78,000 रुपये जमा कर चुका, 33 महीने, 15 साल का लोन था, 180 किस्त में जमा करना था, 33 महीने में 2,78,000 रुपए जमा। पैसे रह गए थे 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए के पीछे आपका घर उन्होंने नीलाम कर दिया? 80,000 रुपए के पीछे। इतनी मनमानी चल रही है कि सिर्फ 80,000 या कुछ हजारों रुपए के पीछे घर तक नीलाम कर दिया गया, और सरदार जी जो हैं वो अब घर से बेघर हो चुके हैं। क्या ये मनमानी कितने दिन चलेगी और कैसे चलेगी? मेरे साथ कुछ और भी महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। आप कहाँ से आई हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आई हैं, आपकी क्या क्या परेशानी है? सर हमारे घर को ना सीज कर दिया बैंक वालों ने। किसने किया है? बैंक, कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ने? क्या प्रॉब्लम थी, क्यों सीज किया? बस लोन, जो लॉकडाउन का लोन रुका हुआ था उस पे बकाया चढ़ के जो आ रहा था वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे थे, बाकी आगे की बराबर जा रही थी, उसी के ऊपर ब्याज दर इतना बढ़ाया कि उसका 6 लाख रुपए अमाउंट लगा रखा है हर चीज़ का। आप 5 तारीख को सीज करके चले गए, हमारा पूरा परिवार बाहर है घर से। तो अब आप कहाँ रह रहे हैं? बाहर। रो मत आप। सर सौकारों के लिए कौन सा दिन? रोइए मत आप, रोइए मत। आप इनकी मदर हैं? हाँ मैं इसकी मौसी हूँ। मौसी हैं। तो कहाँ रह रहे हैं अब आप? बाहर ही हैं अभी, तो पड़ोस वालों ने रखवा लिया था चुल्ला बुल्ला हमारा। अच्छा, और अब घर नहीं है कोई भी? नहीं। कितने परिवार में लोग कितने हैं? 8 बंदे। 8 लोग हैं। आपके परिवार में है कितने लोग और कहाँ रह रहे हैं? यही मेरी मौसी है, मैं तो इनके साथ ही आई हूँ। इन्हीं के साथ रह रहे हैं जी। तो लोन आपका था कितने का वैसे? 18 लाख का। और दिया कितना आपने अभी तक? तो किस्त जो 3.5 लाख, 7 लाख रुपए हम दे चुके। 7 लाख रुपए दे चुके, और इंस्टॉलमेंट तो बराबर जा ही रही थी, जितना भी था। अगर जैसे 50,000 हुआ वो भी डलाया, एक दफे की तो जो इंस्टॉलमेंट गई हुई है 45,000 रुपए, वो तो उन्होंने लिखी भी नहीं है, वो स्लिप खो गई थी उसके, वो उसमें जुड़ी भी नहीं है। यानी धांधलेबाजी भी चल रही है। धांधलेबाजी। 2% ब्याज बोलते हैं, उसके बाद पेपर बनाने के बाद या घर मकान लिखने के बाद 10% वसूल करते हैं। अगर उन्हें ब्याज ना मिले तो माँ बहन बेटियों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तो क्यों नहीं मोदी सरकार कुछ करती इनके लिए जी? जब बड़े लोगों का कर्जा माफ़ कर दे, आम जनता का कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर रही है? या सबको गोली मार दे, सब आम जनता को जहर दे दे? सर सौकार जिनके पास लहसन नहीं होता 10% ब्याज वसूल कर रहे हैं, 20% वसूल कर रहे हैं, लोग घर छीन रहे हैं, तो कुछ तो इंसाफ होना चाहिए क्या? सो रहे सरकारी हो, अंधी सरकार है एकदम, इतने आम जनता मर रही है रोज। सरकार भी तो आपने ही लाए हो ना, आपने तो चुनी है सरकार भी, तो वो गलती भुगत रहे ना। मैं
वो कह रहे 15 लाख रुपए अकाउंट मांगे, 15 लाख तो क्या हमारे जो पैसे थे 17-18 तो जुमला था वो तो अपनी माँ बहनों से कर लेंगे ना हंसी मजाक, दूसरों पब्लिक से क्या जिंदगी खराब कर। सरकार तो पब्लिक चुनती है, अब सरकार को ये हक थोड़ी ना दे दिया कि पब्लिक का ही पैसा वो गबन कर ले, वो ही हो रहा है। अब किसी और सरकार पे भरोसा करेंगी तो वो भी ऐसे ही कर रहे। हरिद्वार में हमारा मुसलमान है, हमारे मुसलमान मेरे बच्चे की दुकान तोड़ दी हरिद्वार में से, खाली करवा ली दुकान भी। अब गांव में कर रहा है, कहां से पैसे देंगे उनके किराए। पुलिस भी सौकारों की है, पुलिस अगर 5-10 हजार रुपए सौकार दे पुलिस को दे दे, और पुलिस भी सताती है, गरीब का साथ कोई नहीं दे रहा है। पुलिस वालों को दे के जब बैंक वालों को उन्होंने भेजा, कपड़े भी बैंक से आए और यहाँ से लेकर पूरी कमीज भी फाड़ दी, ये इस तरीके से निकाला पुलिस वालों ने। अगर तुम ध्यान नहीं दे सकते ऐसा सवाल करते हैं, और ऐसा सबूत चाहिए तो सरकार को मैं दे दूंगा। क्या कहते हैं? अपनी माँ बेटों को हमारे पास भेज दो, अगर तुम 1 महीने ब्याज सौकार और ऐसा चाहिए रिकॉर्ड और सबूत मैं दे दूंगा जो ब्याज पे पैसा देते हैं। आप 2 लाख ले लो, आप पे 50 लाख हो जाएंगे, आप ब्याज भी देते रहोगे, उनके रिकॉर्ड में कुछ नहीं रहेगा। 1,80,000 रुपए रह गए थे हमारे पास, 1,80,000 में हमने कहा हम दे देंगे, अब 1,80,000 का हमारे साथ 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। करे 1 लाख तो 6 लाख रुपए जमा करो जब तुम्हारा घर खुल सका। मैं तो ये कह रहा हूँ साहूकार वालों का ये पैसे से पैसे के डबल पैसा ले लेते हैं, और उतने पैसे फिर भी चढ़े रहते हैं, उनका पैसा ब्याज का ब्याज बांधते बांधते पैसे का ना डबल ट्रिपल कर देता है सर। हाँ जी, पैसे ब्याज 20% 15% 10% ब्याज लिया जा रहा है, और जो ब्याज नहीं दे पा रहा वो लोग को मारा भी जा रहा है, मारने की धमकी देते हैं, हमारे पास ब्याज नहीं देते, घर के सामान उठा के लेके चले जाते हैं। कंप्लेन करने जाओ तो पुलिस कंप्लेन कर लेती है, और वो पुलिस बैठा लेती है और हम लोग से ही पैसे लेती है, कंप्लेन लिखने के लिखती भी नहीं है, कंप्लेन पैसे लेती है, फिर घर जाने देती है हम लोग को। SBI से उसके पहले मैंने क्या किया, कोरोना के पहले पूरा 2 बरस तक के पूरा पेमेंट दिया हूँ, रेगुलर EMI भरा हूँ, अभी नोटिस बोर्ड लगा के रख के गए हैं कि इसमें अब तुम रह नहीं सकते, जब्ती में घर ले ली है, और अभी मैं किराए पे ले रह रहा हूँ, और अभी मैं नागपुर से ये यहाँ पे नई दिल्ली में मैं किसी से कर्जा लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आप बताओ कि मैंने बच्ची की फीस भी नहीं भरा हूँ, और किराया कहाँ से भराएंगे? और कोरोना काल के तक के पूरी नियमित रूप से 24 महीने और 36 महीने की रेगुलर किस्त भरा हूँ। हम लोग अपने बीवी बच्चों से मिल नहीं पाते हैं जब से लॉकडाउन लगा है। किसकी वजह से बीवी बच्चों से नहीं मिले? मोदी जी के वजह से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में हम लोग यहीं पर थे, और इतनी कमाई कम हो गई है, इतनी कंपनियां कम हो गई, कंपनी में काम कम हो गया है, जिससे हम लोग अपना परिवार नहीं पाल पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, और ये प्रॉब्लम एक ही की नहीं है, हजारों नहीं लाखों लोगों की ये प्रॉब्लम है, और देखते हैं कि इस अभियान से कितने लोगों का कर्जा मुक्त होता है।